हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जे ब्रह्मास बैच में प्राचीन इतिहास रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यह क्लास सेकंड है, तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके समय अवधि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में रही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ पर लिपि थी, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था। लिपि थी लेकिन इसको पढ़ नहीं पा रहे थे लोग। इसको धातुकाल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को धातुकाल कहा जाता है। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कांसा किससे मिलकर बना होता है, ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब जो तांबा है, इसकी खोज और पहले हो गई थी। तो सबसे पुरानी धातु कौन सी है? तांबा है। सिंधु घाटी सभ्यता यह लोहे से परिचित नहीं थी। यहाँ पर लोहे की खोज नहीं की गई थी। लोहे की खोज कहाँ पर हुई? महाजनपद काल में हुई। यह पहली नगरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरी सभ्यता है। दूसरी नगरी सभ्यता कौन सी है? महाजनपद काल है। नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इसके महानिदेशक जॉन मार्शल बनते हैं। इन्हीं के कहने पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर आपसे पूछे ASI इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार। इसका विस्तार भारत में भी है, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी है। देखिए, उत्तर में मांडा है। नदी कौन सी है? चेनाब नदी। यह स्थान है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद है, नदी है पवारा नदी, और यह किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। स्थान कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। पूरब में है आलमगीरपुर, नदी है हिंडन नदी। स्थान ये जो यूपी में मेरठ है ना, वही वर्तमान है मेरठ। पश्चिम में सुतका गेडोर। यह स्थान कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। नदी कौन सी है? दाशक नदी है। अगर आपसे पूछे नॉर्थ टू साउथ, विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट, विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नाम है और नदी है। नेक्स्ट है आपका लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ये ऐसे ऐसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिखा कैसे जाता था? दाएं से बाएं लिखा जाता था। देखिए, ये भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है इसको। गौमूत्र लिपि, सर्पिलाकार लिपि, ब्रेस्टोफेदम भी कहा जाता है, ये सब रही है। और इंग्लिश में पिक्टोग्राफी। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @JustDoItR, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आपको ये फ्री में PDF मिल जाएगा। और जिसको डेली करंट अफेयर का PDF लेना है, तो उसके साथ मैं तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 का PDF प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसका PDF आपको फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है आपका सिंधु जो सभ्यता है, इसका प्रमुख स्थान देखिए, हड़प्पा। पहला स्थान है हड़प्पा, यह पाकिस्तान में है। वर्तमान में जो साहिवाल स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ पर है। पहले इसका क्या नाम था साहिवाल का? मोंटेंगे नगरी, नरी, मोटे गिनरी। इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। नदी कौन सी है? रावी नदी। और ये रावी नदी के किस तट पर है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस तट पर है? तो बाएँ तट पर है। यहाँ पर R37 कब्रिस्तान यहीं पर खोजा गया। और ये यहाँ पर ग्रिड पद्धति का यूज किया गया है, ग्रिड पद्धति का। यहाँ पर जो नगर है वो दो भाग में बने थे, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग। पश्चिम में दुर्ग और जो पूरब में नगर थे, वहाँ पर जनता निवास करती थी। अब इसका अपवाद कौन सा है? अपवाद है धौलावीरा। ये तीन भाग में बना है, पश्चिम, मध्य, पूरब। गुजरात में है, यह हड़प्पा सभ्यता का है और यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर भी है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो या पाकिस्तान में है। वर्तमान में जो लरकाना प्रांत है, यहाँ पर यह स्थान है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत लोगों को दफनाया गया था, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सबसे बड़ा स्थान हड़प्पा सभ्यता का, सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। 1922 में इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे स्नानागार हैं, बड़े बड़े बहुत सारे अंगागार हैं। और यहाँ पर नर्तकी मिली थी, काष्ठ की मूर्ति, ऐसे पोज देते हुए नर्तकी मिली है जो काष्ठ की बनी हुई है, काष्ठ की मूर्ति है। और पशुपति की मुहर भी मिली है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की थी?
अमलानंद घोष, बी के थापड़ और बी बी लाल तीन लोगों ने मिलकर कालीबंगा की खोज की थी। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़िया। और यहाँ पर नदी कौन है? घर घर नदी। और जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, युगल सावधान मिला है, जोड़े में युगल सावधान मिला है। नेक्स्ट आपका चंद हुद्रो, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मन के बनाने का जो कारखाना है उसके प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। लिपस्टिक भी यहाँ पर मिली है, बताइए बहुत पहले भी लिपस्टिक यूज की जाती थी। नेक्स्ट आपका लोथल, लोथल स्थान गुजरात में है, बंदरगाह कहिए या डॉकयार्ड कहिए, ये यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सुरकोंडा, यह गुजरात में है, घोड़े के हड्डियों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। लोथल में क्या? बंदरगाह के प्रमाण मिले थे, या कहिए डॉकयार्ड के। नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पर बन रहा है, राखी गढ़ी हरियाणा में, हरियाणा में यह स्थान है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थान यहीं पर है, राखी गढ़ी में ही हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान भारत में। नेक्स्ट आपका बनवाली, यह हरियाणा में है, मिट्टी के हल यहाँ से प्राप्त हुए। रोपड़ पंजाब में है, नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। मनुष्य के साथ कुत्ते को मतलब यहाँ दफनाया गया, उसके प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट आपका रंगपुर, रंगपुर लोथल, ये दोनों गुजरात में है। रंगपुर जो है ना, यहाँ पर चावल के साक्ष मिले, जो हड़प्पा से बताता है यहाँ की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूँ थी। अब देखिए सिक्के या कहिए मुद्रा या कहिए मोहरे, ये किसके बने होते थे? सेल खड़ी के बने होते थे। और इस पर किसका चित्र होता था? एक श्रृंगी पशु का चित्र होता था। जो हड़प्पा सभ्यता थे उसकी जो मुद्रा थी वो सेलखड़ी के बनी थी और इस पर चित्र था एक श्रृंगी पशु का। नेक्स्ट आपका समकालीन सभ्यता, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय कौन और सभ्यता थी वो कहलाती है समकालीन सभ्यता। तो उस समय नील नदी पर मिस्र की सभ्यता थी, दजला फरात नदी पर मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वर्तमान जो इराक है। यहाँ पर जो मेसोपोटामिया था ना, यहाँ पर शब्द यूज होता था मेलुहा या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज होता था मेलुहा शब्द। हवांगो नदी पर चीन की सभ्यता रहती थी। नेक्स्ट आपका पिगट, इन्होंने दो राजधानी बताई, दो राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी, इसकी दो राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पर कैसे समाज, मतलब समाज के जो लोग रहते थे वो किस समाज के लोग रहते थे? मात्र सत्तात्मक समाज के लोग रहते थे। और ये किस देवी को मानते थे? मात्र देवी को मानते थे। इनको मतलब किस, मतलब कहते थे उर्वरता की देवी। पवित्र पशु किसको मानते थे? कुंवड़ वाला बैल को मानते थे। तो ये थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखिए, आप अगर जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर यूज किया था आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए इतिहास तीन भागों में बटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब यहाँ पर लिपि नहीं थी, और ना ही, जब लिपि ही नहीं थी तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता था, मतलब यहाँ लिखित विवरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिपि थी लेकिन इसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे लोग, पढ़ना नहीं आ रहा था, लिपि थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सक रहा था। फिर आता है इतिहास, यहाँ लिपि भी है और इसको पढ़ा भी जा रहा है, वो कहलाता है इतिहास। तो फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ लोग कहते हैं कि आप कुमार गौरव सर का क्लास का रिविज़न करवाती हैं, तो क्लास का रिविज़न करवाती हूँ तो मैं बोलती भी हूँ कि मैं हाँ सर का रिविज़न करवाती हूँ क्लास का, झूठ तो करती नहीं हूँ कि हाँ मैं छुपा कर कुछ टाइटल या थंबनेल छुपा कर लगा रही हूँ, क्लियर लगाती हूँ। कभी ना कभी हम चाहते कि मेरी वीडियो सर तक भी पहुँचे, हमको अगर चोरी ही करना रहता तो हम थंबनेल पे थोड़ी ना लगाते, लिखती हूँ, मेहनत करती हूँ। आपको लगता है बस ऐसे अपलोड नहीं हो जाता है, लिखना पड़ता है, पहले तो खुद पढ़ना पड़ता है, पहली बात पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। एक ही बार में तो अपलोड कर ही नहीं देंगे, रोक रोक के या कट करके अपलोड करते हैं, उसके बाद उसको फ़ोटो खींचना, पीडीएफ बनाना, ये सब में टाइम लगता है, समय लगता है। समय की कीमत समझिए, जो समय की कीमत समझता है ना वो मेरी प्रॉब्लम भी समझेगा। थैंक यू, जय हिंद।